أشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين पिछले दो सप्ताह जुम्मा पहले जब मैं सहाबा का वर्णन कर रहा था उसमें हज़रत साद बिनबीव का वर्णन हो रहा था और उन्हीं के बारे में आज भी और कुछ बातें हैं जंग का वर्णन हुआ था जंग के मध्य हजरत साद की पत्नी हज़रत सलमा बिन्थ हिफ्सा ने देखा कि एक कैदी जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था बड़ी हसरत से इस जंग में हिस्सा लेने का ख़्वाहिशमंद था उसका नाम अबू महज़न सकफ़ी था जिसे हज़रत उमर ने शराब पीने पर देश निकाला का दंड दिया था जो यहाँ पहुँचा यहाँ पहुँचने के बाद उसने फिर शराब पी जिसकी वजह से हज़रत साद ने उसे कोड़ों का दंड दिया और जंजीरें पहना दी। अबू महाजन ने हज़रत साद की लोंडी जहरा से निवेदन किया कि मेरी जंजीरें खोल दो मैं जंग में शामिल हो सकूँ और कहने लगा कि अल्लाह की कसम यदि मैं जीवित पच गया तो वापस आकर बेड़ियाँ पहन लूँगा लोंडी ने उसकी बात मान ली और जंजीरें खोल दीं अबू महाजन ने हज़रत साद के घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग का रुख किया और दुश्मनों के बीच में घुस गया और सीधा जाकर सफ़ेद बड़े हाथी पर हमला किया हजरत साद ये सब कुछ देख रहे थे उन्होंने कहा कि घोड़ा तो मेरा है लेकिन इस पर सवार अबू महजन सख्फी मालूम होता है जैसा कि पहले वर्णन हुआ था हजरत साद बीमारी की वजह से इस जंग में बरह रास्त शरीक नहीं हो सके थे दूर से निगरानी कर रहे थे बहरहाल लड़ाई तीन दिन तक चलती रही जब ख़त्म हुई तो अबू महज़न सख्फी ने वापस आकर अपनी जंजीरें पहन लीं हजरत साद ने अबू महज़न को ये कहकर छोड़ दिया कि यदि तुमने पुनः शराब पी तो मैं तुम्हें बहुत सख्त दंड दूँगा अबू महज़न ने वादा किया कि पुनः कभी शराब नहीं पिएगा एक दूसरे स्थान पर वर्णन है कि हज़रत साद ने यह घटना हज़रत उमर को लिखी जिस पर हजरत उमर ने फरमाया कि यदि पुनः शराब से तोबा कर ले तो उसे दंड ना दिया जाए इस पर अबू महज़न ने पुनः शराब ना पीने की कसम खाई जिस पर हज़रत साद ने उसे आज़ाद कर दिया इस घटना का वर्णन हज़रत मुस्ल मऊद रज़ी अल्लाह तु यूँ वर्णन फरमाते हैं वहाँ पहले तो वर्णन है कि लोंडी ने छोड़ा था लेकिन आपने इसी तरह लिखा है हजरत साद बिन नबी वक् रसूल करीम सल्ला वम के ख़ास साहबा में से थे हजरत उमर ने उन्हें अपने ज़माना खिलाफत में ईरानी फ़ौज के विरुद्ध इस्लामी फ़ौज का कमांडर बनाया था सैोग वंश उन्हें टांग पर एक फोड़ा निकल आया जिसे हमारे यहाँ गंभीर कहते हैं वो लंबे अरसा तक चलता चला गया बहुत इलाज कराया मगर कोई लाभ ना हुआ अंततः उन्होंने सोचा कि क्या यदि मैं चारपाई पर पढ़ा रहा और फ़ौज ने देखा कि मैं जो उनका कमांडर हूँ साथ नहीं है तो वो बददिल हो जाएंगे इसीलिए उन्होंने एक दरख्त पर मचान बनवाया जैसे हमारे यहाँ लोग बाग़ात की हिफाजत के लिए बना लेते हैं आपने इस मचान में आदमियों की मदद से बैठ जाते थे ता मुसलमान फ़ौज उन्हें देखती रहे और उसे ख्याल रहे कि उनका कमांडर उनके साथ है इन्हीं दिनों आपको इतला मिली कि अरब सरदार ने शराब पी है शराब हजरत मसलय मऊद लिखते हैं शराब जबकि मैं हराम थी परंतु अरब लोग इसके बहुत आदि थे वो आदत जब पड़ जाए तो मुश्किल से छूटती है और उस सरदार को भी इस्लाम लाने पर दो तीन साल का वर्ष ही गुजरा था और दो तीन वर्ष के अरसा में जब पुरानी आदत पड़ी हो तो हज़रत मुस्लय मऊद लिखते हैं कि फिर आदत जाती नहीं है बहरहाल हज़रत सात बिन नबी वकास को जब इस मुसलमान अरब सरदार की सूचना मिली कि उसने शराब पी है तो आपने उसे कैद कर दिया उन दिनों में व्यवस्थित कैद खाने नहीं होते थे जिस शख़्स को कैद करना मकसूद होता था उसे किसी कमरे में बंद कर दिया जाता था और उस पर पहरा निर्धारित कर दिया जाता था इसीलिए उस मुसलमान अरब सरदार को भी एक कमरे में बंद कर दिया गया और दरवाज़े पर पहरा लगा दिया गया फिर लिखते हैं कि वो वर्ष तारीख़ इस्लाम में मुसीबत का वर्ष कहलाता है जब ये जंग हो रही थी क्योंकि मुसलमानों का जंग में बहुत नुकसान हुआ था एक जगह पर इस्लामी लश्कर के घोड़े दुश्मन के हाथियों से भागे पास ही एक छोटा सा दरिया था घोड़े उसमें कूदे और अरब चूँकि तैरना नहीं जानते थे इसलिए सैकड़ों मुसलमान डूब कर मर गए इसलिए उस वर्ष को मुसीबत का वर्ष कहते हैं बहरहाल वो मुसलमान अरब सरदार कमरे में क़ैद था मुसलमान सिपाही जंग से वापस आते और उसके कमरे के करीब बैठकर ये वर्णन करते कि जंग में मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ है वो कुड़ता और इस बात पर अफसोस का इजहार करता कि वह इस अफसर पर जंग में हिस्सा नहीं ले सका निसंदेह उसमें कमज़ोरी थी कि उसने शराब पी ली लेकिन वो था बड़ा बहादुर उसके अंदर जोश पाया जाता था जंग में मुसलमानों के नुकसान का ज़िक्र सुनकर वो कमरे में इस तरह टहलने लगा जैसे पिंजरे में शेर टहलता है टहलते टहलते वो शेर पड़ता जिसका अर्थ ये था कि आज ही अफसर था तू इस्लाम को बचाता और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता परंतु तू कैद है हजरत साद की पत्नी बड़ी बहादुर औरत थी वो एक दिन उसके कमरे के पास से गुज़री तो उन्होंने वो शेर सुन लिए उन्होंने देखा कि वहाँ पहरा नहीं है वो दरवाज़े के पास गईं और उस कैदी को संबोधित करते हुए कहा कि तुझे पता है कि साद ने तुझे क़ैद किया हुआ है यदि उसे पता लग गया कि मैंने तुझे क़ैद से आज़ाद कर दिया है तो मुझे छोड़ेगा नहीं लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं तुझे कैद से आज़ाद कर दूँ ताकि तू अपनी इच्छा के अनुसार इस्लाम के काम आ सके उसने कहा अब जो लड़ाई हो मुझे छोड़ दिया करें मैं वादा करता हूँ कि लड़ाई के तुरंत बाद वापस आकर इस कमरे में दाखिल हो जाया करूँगा उस महिला के दिल में भी इस्लाम का दर्द था और उसकी रक्षा के लिए जोश पाया जाता था इसलिए उसने उस व्यक्ति को कैद से निकाल दिया वह लड़ाई में शामिल हुआ और ऐसी बेजिगरी से लड़ा कि उसकी बहादुरी के कारण से इस्लामी लश्कर बजाए पीछे हटने के आगे बढ़ गया साद ने उसे पहचान लिया और बाद में कहा कि आज की लड़ाई में वह व्यक्ति उपस्थित था जिसने शराब पीने की वजह से कैद किया हुआ था जबकि उसने चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ था परंतु उसके हमले के अंदाज़ और उसकी कद को पहचानता हूँ मैं उस व्यक्ति को तलाश करूँगा उसने उसे कैद से निकाला जिसने उसे कैद से निकाला और उसे सख्त सज़ा दूँगा अर्थात जिसने उसको उस क़ैद से बाहर निकाला उसकी जंजीरें खोली उसको सख्त सजा दूंगा जब हज़रत साद ने यह अल्फाज कहे तो उनकी पत्नी को ग़ुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती कि आप तो दरख्त पर मचान बनाकर बैठा हुआ है और उस शख्स को तूने कैद किया हुआ है जो दुश्मन की फ़ौज में निडर होकर घुस जाता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता मैंने उस व्यक्ति को कैद से छुड़ाया था तुम जो चाहो कर लो मैंने उसे खुलवाया था अब जो तुमने करना है कर लो बहरहाल ये वर्णन हज़रत मुस्लिम मऊद ने एक लजना की तकरीर में और ये वर्णन फरमाया था कि बेशक औरतों ने इस्लाम में बड़े बड़े काम किए हैं बस आज भी यह फरमाया आपने कि आज भी अहमदी औरतों की मिसालें अहमदी औरतों को इस मिसालों को सामने रखना चाहिए फिर औरतों की कुर्बानियों की और घटनाएँ सुनाई तो हज़रत जैद के हवाले से है तो हज़रत जैद के हवाले से ही अंसार के कबलीला बनु सलीम की प्रसिद्ध कावित्री और सहाबिया हज़रत खनसा ने उस जंग में अपने चार बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान किए हज़रत खनसा के पति और भाई और उनकी जवानी में फौत हो गए थे हज़रत खनसा ने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाला था कादसिया के जंग के अंतिम दिन सुबह जंग से पहले हजरत खनसा ने अपने बेटों को संबोधित होकर फरमाया कि ए मेरे बेटो तुमने अपनी खुशी से इस्लाम स्वीकार किया है और अपनी मर्जी से हिजरत कर की है जात की कसम जिसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं मैंने तुम्हारे ख़ानदान में कोई रोक नहीं आने दी याद रखो कि आखरत का घर इस नष्ट होने वाले संसार से बेहतर है बेटो डट जाओ और आगे बढ़ो और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ो खुदा का संयम धारण करो जो तुम देखोगे कि घमासान की लड़ाई हो रही है और उसका तंदूर भड़क उठा है और शहसवारों घुड़सवारों ने अपने सीने तान लिए हैं तो तुम अपनी आख़रत को सवारने के लिए उसमें कूद जाओ हजरत खनसा के बेटों ने उनकी वसीयत पर अमल करते हुए अपने घोड़ों की लगामें पकड़ी और शौर्य गीत के शेर पढ़ते हुए मैदान जंग में कूद गए और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए उस रोज़ शाम से पहले कादस्य पर इस्लामी परचम लहरा रहा था हज़रत खनसा को बतलाया गया कि तुम्हारे चारों बेटे शहीद हो गए हैं तो उन्होंने कहा अल्लाह का शिक्र है कि अल्लाह ने उन्हें शहादत से शहादत प्रदान की मेरे लिए ये कम गर्व नहीं कि वो सच्चाई के मार्ग में कुर्बान हो गए मुझे आशा है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साय में अवश्य रखेगा कादस्य को फ़तेह करने के बाद इस्लामी लश्कर ने बॉबिल को फ़तेह किया बाबिल मौजूदा इराक़ का कदीमी पुराना शहर था जिसका वर्णन हारूत और मारूत के सिलसिला में क़ुरान ने भी किया और ये वही ये और ये वही था जहां आज कोफा है ये शहरों की पहचान है इसमें ये इसका तारुफ लिखा है और फिर लिखा है कि और कोसा फिर आगे ये वर्णन करते हैं और कोसा नाम के ऐतिहासिक शहर के स्थान पर पहुँचे ये फतः करके वो स्थान था जहाँ हज़रत इब्राहीम को नमरूद ने कैद किया था क़ैद खाने की जगह उस वक़्त तक सुरक्षित थी हज़रत साद ने जब वहाँ पहुँचे और क़ैद खाने को देखा तो क़ुरान करीम की आयत पढ़ी तिलकल अमा विलोहा बिन अर्थात ये दिन ऐसे हैं कि हम उन्हें लोगों के दरमियान बदलते बदलते रहते हैं ताकि वो नसीहत पकड़ें कोसा से आगे बढ़े तो बहरा शीर नामी एक जगह पर पहुँचे मुज्जम्लबुल्दान के शहरों को जो मुअज़्ज़म है उसके अनुसार उसका नाम बहूर सीर दरियाए दजला के पश्चिम में स्थित इराक़ के शहर मदाइन के निकट बगदाद के नवाही इलाका में से एक स्थान का नाम है यहाँ किसरा का शिकारी शेर रहता था हजरत सात का लश्कर करीब पहुँचा तो उन्होंने उस दरिंदे को लश्कर पर छोड़ दिया शेर गरज कर लश्कर पर हमलावर हुआ हजरत सात के भाई हाशिम बिन अभी वकास लश्कर के हर प्रथम दस्ते के अफसर थे उन्होंने शेर पर तलवार से ऐसा वार किया कि शेर वहीं ढेर हो गया फिर उसी जंग में मदायन का मार्का भी है मदाइन किस तरह का पाया तख्त था यहाँ पर उसके सफ़ेद महल्ला थे मुसलमानों और मदाइन के मध्य दरियाए दजला रोक थी ईरानियों ने दरिया के समस्त पुल तोड़ दिए हजरत साद ने फौज से कहा कि मुसलमानों दुश्मनों ने दरिया की पनाह ली है आओ इसको तैर कर पार करें और ये कहकर उन्होंने अपने घोड़े दरिया में डाल दिए हजरत साद ने सिपाहियों ने अपने कायद की पैरवी करते हुए घोड़े दरिया में डाल दिए और इस्लामी फ़ौजें दरिया के पार उतर गईं ईरानियों ने यह हैरान कन मंजर देखा तो भय से चिल्लाने लगे और भाग खड़े हुए कि देव आ गए देव आ गए मुसलमानों ने आगे बढ़कर शहर और किसरा के महल्लात पर कब्जा कर लिया और इस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई जो आप सल्लाम ने गज़वा अहज़ाब के अवसर पर खंदक खोदते हुए पत्थर पर कुदाल मारते हुए फ़रमाई थी कि मुझे मदाइन के सफ़ेद महल्ल गिरते हुए दिखाए गए हैं इन महल्ल को सुनसान हालत में देख कर हज़रत साद ने सुरे दुखान की आयत पढ़ी कम तरह मिन जन्नातिन वयून वन व मकामिन करीम व नामन कानूफी हा फाकाल का व और कौमन आख़रीन कितने ही बागात और चश्मे हैं जो उन्होंने पीछे छोड़े और खेतियाँ इज़्ज़त और, और सम्मान के स्थान भी और नाजो नेमत जिसमें वो मज़े उड़ाया करते थे इसी तरह हवा इसी तरह हुआ और हमने एक दूसरी कौम को इस नेमत का वारिस बना दिया बहरहाल उसके बाद हज़रत साद ने हजरत उमर की ख़दमत में लिख कर मज़ीद आगे बढ़ने की आज्ञा चाहिए जिस पर हज़रत उमर ने उनसे फरमाया कि इसी पर संतुष्ट रहो विजयी इलाकों में कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान दो इसीलिए हजरत साद ने मदाइन को मरकज़ बनाकर कानून व्यवस्था मुस्तकम करने की कोशिश शुरू की और इस काम को बखूबी निभाया आपने इराक़ की जनगणना और नपाई करवाई और रियाया के आराम और सहूलत की व्यवस्था की और अपनी बुद्धिमता और उत्तम कार्यों से प्रमाणित किया कि आपको अल्लाह ताला ने जंगी प्रतिभा के साथ साथ कानूनी व्यवस्था प्रतिभा से भी परिपूर्ण फरमाया है रियाया को समझते हैं लोग कि मुसलमानों ने फतह किया तो रियाया का ख़्याल नहीं रखा लेकिन मुसलमानों जन ने जब शहर फतह किए तो वहाँ के रहने वालों का पहले से बढ़कर ख़्याल रखा गया फिर तामीर कोफा है मदाइन की आबो हवा अरबों के स्वभाव के अनुकूल ना आई तो हज़रत सात ने हजरत उमर को आज्ञा दी कि एक नया शहर बसाया जिसमें विभिन्न अरब कबाइल को अलग अलग महलों में आबाद किया और शहर के मध्य एक बड़ी मस्जिद बनवाई जिसमें चालीस हज़ार नमाजी एक समय में नमाज़ पढ़ सकते थे गुफा वास्तव में फ़ौजी छावनी था फिर इसमें एक लाख सिपाही बसाए गए थे इसकी और इसका और विस्तार ये है कि हजरत साद ने एक अरसा तक मदाइन में रहने के बाद महसूस किया कि यहाँ की आबो हवा अरब वालों के रंग रूप बिल्कुल बदल दिया है यहाँ की आबो हवा ने अरब वालों के रंग रूप बिल्कुल बदल दिए हैं हज़रत उमर को इससे अवगत किया तो आदेश आया कि अरब की सरहद में कोई उचित सरजमीन तलाश करके एक नया शहर बसाएँ अरबी कबाइल को आबाद करके उसको केंद्र की हकूमत करार दें हज़रत साद ने इस आदेश के अनुसार मदाइन से निकलकर एक उचित जगह चुनकर गुफा के नाम से एक बड़ा शहर की बुनियाद डाली अरब के अलग अलग कबीलों को अलग अलग महलों में आबाद किया बीच में एक अजीम बड़ी मस्जिद बनवाई जिसमें तकरीबन चालीस हज़ार नमाज़ियों की व्यवस्था रखी गई थी मस्जिद के करीब ही माल की इमारत और अपना महल बनवाया गया जो महल सात के नाम से मशहूर था फिर मार का नहावंद है यहाँ इक्कीस हिजरी में ईरानियों ने इराक अजम अर्थात इराक़ का वह हिस्सा जो फारसियों के पास था उसमें मुसलमानों के विरुद्ध जंग की तैयारियाँ की मुसलमानों से विजयी इलाके वापस लेने के घर से नहावंद के मकाम पर डेढ़ा डेढ़ देड़ लाख जंगजू इकट्ठे हुए मुसलमानों के विरुद्ध ईरानी हजरत साद ने हज़रत उमर को सूचना दी तो आपने अहल राय के मशवरे से एक इराकी हज़रत नुमान बिन मकरन मजनी को मुसलमान फौज का लीडर निर्धारित फरमाया हज़रत नुमान उस वक्त कस्कर में थे कस्कर नहरवान से लेकर बसरा के निकट दराए दजला के दाहिने तक का इलाका है जिसमें बीसीों गांव और कस्बे हैं बहरहाल हज़रतमर ने उन्हें नहावंद पहुँचने का आदेश दिया डेढ़ लाख ईरानियों के, के मुकाबल पर मुसलमानों की संख्या तीस हज़ार थी हजरत नुमान ने लश्कर की सफ़ों में फिर कर उन्हें हिदायत दी और फिर कहा कि यदि मैं शहीद हो जाऊँ तो लश्कर का सेनापति हुफ़ा होंगे और अगर वो शहीद हो जाएँ तो अमीर लश्कर का अमुख होगा इसी तरह एक एक करके उन्होंने सात आदमियों के नाम लिए इसके बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अपने दीन को सम्मानित फरमा और अपने बंदों की सहायता फरमा और नुमान को आज सबसे पहले शहादत का स्थान प्रदान फरमा एक दूसरी रिवायत के अनुसार उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि आज मेरी आँख ऐसी फ़तह के ज़रिया ठंडी कर जिसमें इस्लाम का सम्मान हो और मुझे शहादत अता हो जंग शुरू हुई मुसलमान इस बहादुरी के साथ लड़े कि सूरज डूब गरूब होने से सूरज डूबने से पहले मैदान मुसलमानों के हाथ में था और इसी युद्ध में हज़रत नुमान शहीद हो गए लूलू फिरोज़ इसी युद्ध में क़ैद हुआ और वो ग़ुलाम बनकर हज़रत मुग़ैरा बिन शोबा के हिस्से में आया ये वही व्यक्ति जिसने बाद में हज़रत उमर पर आक्रमण करके उन्हें शहीद किया था हजरत उमर ने नहावंद के अमीर को पत्र लिखा कि यदि अल्लाह मुसलमानों को जीत प्रदान करे तो पाँच अर्थात एक बटा पाँच बैतलमाल के लिए रख कर तमाम माल धन मुसलमानों में बाँट दो और यदि लश्कर हलाक हो जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि ज़मीन के ऊपर से उसका पेट अर्थात कब्र बेहतर है हजरत उमर के दौरे खिलाफत में एक मरतबा कबीला बनो असद के लोगों ने हजरत साद की नमाज पे आरोप लगाया और उनकी शिकायत हजरत उमर से की कि सही तरह नमाज नहीं पढ़ता हजरत उमर ने हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा को जांच के लिए भेजा जांच करने से मालूम हुआ कि शिकायत ग़लत थी बाज़ मसलहतों की बिना पर हज़रत उमर ने हजरत सात को मदीना में बुलाया इसका विस्तार सही बुखारी की रिवायत में इस प्रकार वर्णन हुआ है हजरत जाबिर बिन समरा से मरवी है वो कहते हैं कि कोफा वालों ने हज़रत उमर हज़रतमर रज़ील्ला के पास हजरत सात की शिकायत की तो उन्होंने उनको निलंबित कर दिया हजरत अम्मा को उनका आमिल अर्थात हाकिम निर्धारित किया गुफा वालों ने हज़रत साद के संबंध में शिकायत में ये भी कहा था कि वह नमाज भी अच्छी तरह नहीं पढ़ते थे तो हजरत उमर ने उनको बुला भेजा और कहा कि अबू इसहाक ये अबू इसहाक हज़रत साद का उपनाम था ये लोग तो कहते हैं कि आप अच्छी तरह नमाज भी नहीं पढ़ते अबू इसहाक ने कहा खुदा की कसम उन्हें रसोल्ला सल्ला वसम की नमाज़ पढ़ाया करता था इसमें ज़रा भी कम नहीं करता था ईशा की नमाज़ पढ़ाता तो पहली दो रक्तें लंबी और पिछली दो रक्तें हल्की पढ़ता था तो उमर ने कहा अबू इसहाक आपके संबंध में यही विचार था अर्थात मुझे आशा थी कि इसी तरह ही करते होंगे फिर हज़रत उमर ने उनके साथ एक व्यक्ति कुछ आदमी कोफा रवाना किए ता उनके बारे में कोफा वालों से पूछें उन्होंने कोई मस्जिद भी नहीं छोड़ी जहाँ हजरत साद के संबंध में ना पूछा गया हो हर मस्जिद में गए और लोग उनकी अच्छी प्रशंसा करते थे हजरत साद की अंततः वो कबीला बनु अबस की मस्जिद में गए उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ उसे उसामा बिन कतादा कहते थे अबू सदा उसकी कुन्ियत उपनाम था उसने कहा चूँकि तुमने हमें कसम दी है इसलिए असल बात यह है कि साथ फौज के साथ नहीं जाया करते थे और ना बराबर तकसीम करते थे और ना फैसला में इंसाफ करते थे यह आरोप लगाए उन्होंने हज़रत साद पर हज़रत साद ने कहा देखो इस बात पर जो सुनी हज़रत साद ने कहा देखो अल्लाह की कसम मैं तीन दुआएं करता हूँ कि अ मेरे अल्लाह यदि तेरा ये बंदा झूठा है और दिखावा और शोहरत के उद्देश्य से खड़ा हुआ है अर्थात जो आरोप लगाने वाला था उसकी उम्र लंबी कर और उसकी मोहताजी को बढ़ा और उसे मुसीबतों का केंद्र बना दे इसके बाद जब कोई उसका हाल पूछता उस व्यक्ति का जिसने इल्ज़ाम लगाया था तो वो कहता बहुत बुरा हो चुका हूँ बुरी हालत है मुसीबत में हूँ हजरत सात की बदुआ मुझे लग गई है अर्थात लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगवाया था उसका परिणाम भुगत रहा हूँ अब्दुल मालिक कहते हैं मैंने इसके बाद उसे देखा है हालत ये थी कि बुढ़ापे की वजह से उसकी भवें उसकी दोनों आँखों पर आ पड़ी थी और आश्चर्य है कि इसके अतिरिक्त उसका अखलाकी आचरण का ये हाल था कि वह रास्तों में छोकरियों के वो रास्तों में छोकरियों को छेड़ता और कंकरियाँ मारता था बुखारी में ये सारा वाक दर्ज है बहरहाल इन शिकायत का हजरत सात को बहुत दुख हुआ और आपने कहा अरबो में से मैं पहला हूँ जिसने अल्लाह की राह में तीर फेंका और हम नबी करीम वसल्लम के साथ जंग के लिए निकलते और हालत ये थी कि हमारे पास खाने की कोई वस्तु ना होती अतिरिक्त दरख्तों के अतिरिक्त दरख्तों के पत्तों के हमारा ये हाल था कि हम में से एक हर एक जो है इस तरह मींगनियाँ करता जैसे ऊँट लीद करते हैं या मेगनियाँ बकरियाँ करती हैं अर्थात खुश्क और अब यह हाल है कि बनु असद इब्ने ख़ुजैमा मुझको आदाब इस्लाम सिखाते हैं तब तो मैं बिल्कुल ना मुराद रहा और मेरा अमल ज़ाय हो गया बनुअसद के लोगों ने हजरत उमर के पास चुगली खाई थी और कहा था कि वो अच्छी तरह नमाज नहीं पढ़ाता ये भी बुखारी की है तेईस हिजरी में जब हज़रत उमर पर कातिलाना हमला हुआ तो हज़रत उमर से लोगों ने कहा कि आप खिलाफत के लिए किसी का चुनाव करें इस पर हज़रत उमर ने इंतब खिलाफत के लिए एक बोर्ड निर्धारित किया जिसमें हज़त उस्मान हज़रत अली हज़रत अब्दरमान बिन औौफ़ हज़रत सात बिन नबी वक्स हज़रत ज़ुबैर बिन आवा हज़रतल बिन उबैदल थे हज़रतमर ने फरमाया उनमें से किसी एक को चुन लेना क्योंकि रसोल सल्ला वसम ने उन्हें जन्नत वाला ठहराया है फिर फरमाया कि यदि खिलाफत साद बिन वक्स को मिल गई तो वही खलीफ़ा हो अन्य था जो भी तुम में से खलीफा हो वो साथ से मदद लेता रहे क्योंकि मैंने उन्हें इसलिए निलंबित नहीं किया कि वो किसी काम के करने से विवश थे और ना इसलिए कि उन्होंने कोई खयानत की थी जब हज़रत उस्मान खलीफा चुने गए तो उन्होंने हजरत साद को पुनः गुफा का गवर्नर बना दिया आप तीन वर्ष तक इस ओहदे पर कार्यरत रहे और इसके बाद किसी वजह से हजरत साद का हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से जो उस वक्त बैतलमाल के इंचार्ज थे मतभेद हुआ जिसकी वजह से हजरत उस्मान ने उन्हें निलंबित कर दिया हजरत साद के निलंबित होने के बाद हजरत साद ने मदीना में एकांतवास धारण कर लिया जब हजरत उस्मान के खिलाफ के विरुद्ध फितना फसाद शुरू हुआ तब आप एकांतवास में ही रहे एक रिवायत में आता है कि फितना के ज़माना में एक मरतबा हजरत साद के साहबजादे ने हजरत साद से पूछा कि आपको किस चीज़ ने जहाज से रोका है इस पर हजरत साद ने उत्तर दिया कि मैं तब तक नहीं लडूंगा यहाँ तक कि मुझे ऐसी तलवार ला कर दो जो मोमिन और काफिर को पहचानती हो अब तो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरी रिवायत में ये भी है कि हजरत साद ने फरमाया कि ऐसी तलवार लाओ जिसकी आँखें होंठ और जबान हो और जो मुझे बतलाए कि अमुक व्यक्ति मोमिन है और अमुक व्यक्ति काफिर है अब तक तो मैं सिर्फ़ काफिरों के ख़िलाफ़ लड़ा हूँ सुनन तिर मेज़ी की एक रिवायत में वर्णन है कि हज़रत साद ने हज़रत उस्मान के ज़माने में शुरू होने वाले उपद्रवों के बारे में फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भविष्य में एक उपद्रव होगा और उसमें बैठा रहने वाला खड़े होने वाला व्यक्ति से बेहतर होगा खड़े होने वाला व्यक्ति चलने वाले व्यक्ति से बेहतर होगा चलने वाला व्यक्ति दौड़ने वाले से बेहतर होगा तो किसी ने पूछा अर्थात हर लिहाज से किस तरह भी इस उपद्रव में शामिल नहीं होना बल्कि बचने की कोशिश करना बहरहाल किसी ने पूछा कि यदि उपद्रव मेरे घर में दाखिल हो जाए तो मैं क्या करूं? फरमाया कि तू इबन आदम की तरह हो जा अर्थात जैसे कुरान शरीफ़ में इसका वर्णन है इबन आदम का कि अपना बचाओ तो करो लेकिन कत्ल करने की नीयत से लड़ाई नहीं करनी एक दूसरे से और यही घटना कुरान करीम में जो वर्णन हुई है इससे यही लगता है कि वही उदाहरण आपने दी थी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह के खिलाफत के समय में जब उपद्रवों का आरंभ हुआ तो इस इन उपद्रवों को ख़त्म करने में सहाबा की उत्तम कोशिशों का वर्णन करते हुए हज़रत मुसल मऊद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि सहाबा को अब हज़रतमान के पास जमा होने का अवसर नहीं दिया जाता था परंतु फिर भी वो अपने फ़र्ज से गाफिल ना थे और समय की आवश्यकता अनुसार उन्होंने दो हिस्सों में अपने काम बाँट लिए बड़ी आयु के जो बूढ़े थे और जिनका प्रभाव लोगों पर अधिक था वो तो अपना समय लोगों को समझने पर व्यय करते थे और जो लोग ऐसा कोई प्रभाव ना रखते थे या युवा थे वो हज़रत उस्मान की रक्षा की कोशिश में लगे रहते थे फिर लिखते हैं कि प्रथम वर्णन जमात में हज़रत अली हज़रत सात बिन नबी वक्त फारस उपद्रव के कम करने में सबसे ज़्यादा कोशिशें करते थे हजरत उस्मान के बाद हज़रत अली की खिलाफत में भी हज़रत साद एकांतवास रहे एक रिवायत के अनुसार जब हज़रत अली और अमीर माविया के मध्य मतभेद बढ़ा तो अमीर माविया ने तीन साहबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत साद बिन नबी हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम को अपनी सहायता के लिए पत्र लिखा और उनको लिखा कि वह हज़रत अली के विरुद्ध उनकी सहायता करें इस पर इन तीनों ने इनकार किया हज़रत साद ने अमीर माविया को ये अशार लिख कर भेजे माविया दाऊ कल दाउल दाउलआयालम तजियो बेही दवाऊनी अबू हसन अलिय फ़लम अरदुद अलह मा षाह आतीफ़न बसीरन तमीज़ो बेही अदावतुल वल वही आतमाऊ फिल्ल आया अलियन अलामा तब हिल अफाय मिन हूँ खयुमिन का हयन व मै तन अंतिल मर ए फिदाए ही अर्थात इसका ये है कि ए माविया तेरा रोग सख्त है तेरे रोग की कोई दवा नहीं क्या तू इतना भी नहीं समझता कि अबू हसन अर्थात हजरत अली ने मुझे लड़ने के लिए कहा था परंतु मैंने उनकी बात भी नहीं मानी और मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसी तलवार दे दें जो दृष्टि रखती हो और मुझे दुश्मन और दोस्त में अंतर करके बता दे ए माविया तू आशा रखता है कि जिसने लड़ाई करने के लिए हज़रत अली की बात ना मानी हो वो तेरी बात मान लेगा जबकि हज़रत अली की ज़िंदगी का एक दिन तेरी सारी जिंदगी और मौत से बेहतर है और तू ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मुझे बुलाता है गाबा की यह रिवायत है एक रिवायत में आता है एक बार अमीर माविया ने हज़रत साज से पूछा अबू तराब हज़रत अली का उपनाम था यह उनका बुरा कहने से आपको किस चीज़ ने मना किया है उनको आप बुरा नहीं कहते तो हज़रत साद ने फ़रमाया तीन बातें जो रसोल्ला सल्ला वसलम ने उनके बारे में फ़रमाई हैं कि यदि उनमें से एक भी मुझे मिल जाती तो वो मेरे लिए लाल ऊँटों से भी ज़्यादा प्रिय होती एक तीन बातों की वजह से मैं कभी उनको अर्थात हजरत अली को बुरा नहीं कहूँगा नंबर एक ये कि एक बार रसोल्ला सल्ला वसलम हज़रतली को एक गज़बा में अपने पीछे छोड़ा इस पर अली ने आपसे कहा कि या रसोल्ला वसलम आप मुझे औरतों और बच्चियों में छोड़ रहे हैं इस पर हज़रत रसोल्लाम ने फरमाया तो इस बात पर ख़ुश नहीं कि तेरा मेरे साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि हारून का मूसा के साथ था सिर्फ़ इस अंतर के साथ कि मेरे बाद तुझे नबूत का स्थान हासिल नहीं है नंबर दो बात ये कही कि गज़र के अवसर पर रसोल्ला सल्ला वम ने एक मरतबा फ़रमाया कि मैं ऐसे व्यक्ति को इस्लामी झंडा दूँगा जो अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम करता है अल्लाह और उसके रसूल और उससे मोहब्बत रखता है इस पर हमने इसकी ख्वाहिश की कि हर एक में ख्वाहिश पैदा हुई कि झंडा हमें दिया जाए हम भी अल्लाह और रसूल से महब्बत रखते हैं अतः आप सल्ला व्म ने फ़रमाया अली को बुलाओ कि मैं हम में से किसी को ना दिया बल्कि फ़रमाया कि अली को बुलाओ हज़रत अली आए उनकी आँखों में दर्द थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँख में अपनी लार डाली और उनको इस्लामी झंडा दिया और अल्लाह ने उस रोज़ मुसलमानों को फ़तेह फ़तह प्रदान फरमाई फिर तीसरी बात यह उन्होंने वर्णन की कि जब आयत फ़कुल त नदऊ अब आना व अब अर्थात कि तू कह दे कि आओ हम अपने बेटों को बुलाएं और तुम अपने बेटों को हम अपनी औरतों को बुलाएं और तुम अपनी औरतों को जब ये नाजिल हुई आए तो अलैहि सल्लम ने हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा हज़रत हसन हज़रत हुसैन को बुलाया और फरमाया कि अल्लाह ये मेरा परिवार है तिरमजी की यह रिवायत है हजरत साद बिन बिनबीवकाश के बेटे मसअब बिन साद वर्णन करते हैं कि मेरे पिता की वफ़ात का समय आया तो उनका सर मेरी गोद में था मेरी आँखों में आंसू भर आए उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहा कि ऐ मेरे प्यारे बेटे तुझे क्या चीज़ रुलाती है मैंने कहा कि आपकी मृत्यु का गम इस बात का ग़म के मैं आपके बाद आपका बदल किसी को नहीं देखता उस पर हज़रत साद ने फरमाया मुझ पर मत रो अल्लाह मुझे कभी अजाब नहीं देगा और मैं जन्नतियों में से हूँ कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जी अमुक ने कह दिया अमुक जन्नतियों में से किस तरह हो गए तो यहाँ हज़रत साद भी फरमा रहे हैं कि मैं जन्नतियों में से हूँ अल्लाह मोमिनों को फरमाया अल्लाह मोमिनों को फरमाया फिर फ़रमाया कि अल्लाह मोमिनों को उनकी नेकियों की जजा देता है जो उन्होंने अल्लाह के लिए की और जहाँ तक कफारा का विषय है तो अल्लाह उनके अच्छे कार्यों के कारण उनको अजाब को उनके अजाब को हल्का कर देता है परंतु जब वो अच्छे कर्म ख़त्म हो जाएं तो पुनः अजाब देता है हर इंसान को अपने आमाल का बदला उससे मांगना चाहिए जिसके लिए उसने कर्म किया हो साद बिन नबी वक्स के बेटे रिवायत करते हैं कि मैंने अपने पिता से पूछा कि मैं देखता हूँ कि आप अनसार के गिरोह के साथ वह व्यवहार करते हैं जो दूसरों के साथ नहीं करते तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे क्या तुम्हारे हृदय में उनकी तरफ से कुछ है बेटे से भी पूछा उन्होंने कि ये सलूक जो मैं अनसार से करता हूँ क्या तुम्हारे हृदय में कोई बात है तो मैंने उत्तर दिया नहीं लेकिन मुझे आपके उसके मामले से आश्चर्य होता है हज़रत साद ने उत्तर दिया मैंने रसोल्ला सल्ला व्लम से सुना है कि मोमिन ही उनका मित्र होता है और मुनाफिक ही उनसे इर्शा दवेश रखता है मैं मैपस मैं इसलिए करता हूँ ताल्लुक उन से जो रैर से मरवी है कि एक बार उमर के पास गए वह उनके पास से गुज़रे तो हज़रत उमर ने हज़रत साद बिन वकास के बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया मैंने उन्हें इस हाल में छोड़ा है कि वो अपनी हकूमत में शक्ति रखने के अतिरिक्त सबसे शरीफ व्यक्ति हैं सख्ती में सबसे कम हैं वो तो उन लोगों के लिए मेहरबान माँ जैसे है वो उनके लिए करते हैं जैसे चूंटी इकत्तर करती है जंग के समय लोगों में सबसे अधिक बहादुर हैं और कुरैश में सब लोगों से अधिक प्रिय हैं हजरत साद बिन नबी की पचपन हिजरी में मृत्यु हुई मृत्यु के समय आपकी आयु सत्तर वर्ष से कुछ अधिक थी कुछ के निकट आपकी आयु चौहत्तर वर्ष थी जबकि कुछ के निकट आपकी आयु तिरासी वर्ष थी हजरत साद बिन नबी की मृत्यु के वर्ष के बारे में मतभेद है विभिन्न रिवायात में आपकी मृत्यु का वर्ष इक्यावन हिजरी से लेकर 58 हिजरी तक मिलता है लेकिन अधिकतर ने आपकी मृत्यु का वर्ष पचपन हिजरी वर्णन किया है हजरत सात बिन नबी वकास ने मृत्यु के वक्त अढ़ाई लाख दरहम विरासत छोड़ी हजरत सात बिन नबी वकास ने अकीक स्थान पर मृत्यु पाई जो मदीना से सात मील की दूरी पर था या दस मील की दूरी पर था कुछ कहते हैं वहाँ से आपका शव लोग कंधों पर रख कर मदीना लाए और मस्जिद नबी में जनाजा अदा किया गया आपका जनाजा मरवान बिन हकम ने पढ़ा जो उस वक़्त मदीना का हुक्मरान था आपकी नमाज जनाजा में रसूल सल्ला वसम की पत्नियों ने भी शिरकत फरमाई आपकी तदफीन जन्नतल्बकी में हुई हजरसाद बिनी वक्स के जनाजे के बारे में रिवायत मिलती है हज़रत अब्दुल्ल बिन जुबैर हज़रत आयशा से वर्णन करते हैं कि जब हज़रत साद बिन नबी की मृत्यु हुई तो नबी सल्ला वम की पत्नियाँ ने यह कहला भेजा कि लोग उनका जनाजा लेकर मस्जिद में आएं ताकि वो अर्थात रसूल करीम सल्ला व् की पत्नियाँ भी उनके जनाजा में शामिल हों इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया जनाजा उनके हजरों के सामने रखा गया ताकि वो नमाज जनाजा पढ़ लें फिर उन्हें बाबुल जनायत से बाहर ले जाया गया जो बैठने की जगहों के पास था फिर उन अजवाज महतरात अर्थात रसूल करीम वसल्लम की पत्नियों को ये बात पहुँची कि लोगों ने इस बात पर नुकताचीनी की है और कहते हैं कि जनाजे मस्जिद में दाखिल नहीं किए जाते थे हज़रत को ये बात पहुंची के लोग कितनी जल्दी ऐसी बातों पर नुकताचीनी करने लग जाते हैं जिनका उनको ज्ञान नहीं होता उन्होंने हम पर आरोप लगाया अर्थात लोगों ने हज़रत आयशा ने कहा हम पर यह आरोप लगाया है जनाजा मस्जिद से गुजारा गया हालांकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहैल बिन बैज़ा की नमाज जनाजा मस्जिद के अंदर ही पढ़ी थी मुस्लिम की रिवायत है ये हजरत साद बिन नबी वकास ने अपनी मर्जुल मौत यानी मौत के अंतिम समय में ये वसीयत की कि मेरे लिए लहद बनाना और मुझ पर ईंटें लगाना जैसा कि अलैहि वसल्लम के लिए किया गया था ये भी मुस्लिम की रिवायत है हज़रत साद बिनबी वकास ने महाजरीन में सबसे अंत पर वफ़ात पाई मर्दों में से हज़रत साद बिन नबी वकास ने अपनी मृत्यु के वक्त एक ओना जुब्बा निकाला और वसीयत की कि मुझे इसका कफन पहनाना क्योंकि मैं इस जुब्बे को पहनकर गजवा बदर में शामिल हुआ था मैंने उसे इसी वक्त के लिए अर्थात मृत्यु के लिए संभाल कर रखा था हजरत साहबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब लिखते हैं सीरत ख़ातमनबीन में के उमर के ज़माने में जब सहाबा के वजीफ़े निर्धारित हुए तो बदरी सहाबियों में से विशेष विशे रूप से पेंशन निर्धारित की गई स्वयं बदरी साहबा भी जंग बदर की शिरकत पर विशेष गर्व करते थे प्रसिद्ध मशहूर मुतशरक विलियम मूर साहब भी लिखते हैं कि बदरी साहबी इस्लामी सोसाइटी के महत्वपूर्ण व्यक्ति समझे जाते थे साथ बिन नबी वक् का जब अस्सी वर्ष की उम्र में देहांत होने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे वो चोगा ला दो जो मैंने बदर के दिन पहना था और जिसे मैंने आज के दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ है ये वही साथ थे जो बदर के ज़माना में बिल्कुल नौजवान थे और जिनके हाथ पर बाद में ईरान फ़तेह हुआ और जो कोफा के बानी इराक़ के गवर्नर बने परंतु उनकी नज़र में ये तमाम सम्मान और फ़खर जंग बदर में शिरकत के सम्मान और फखर के मुकाबले में बिल्कुल हैज था और जंग बदर वाले दिन के वस्त्र को वो अपने वास्ते सबसे उत्तम वस्त्रों से बढ़कर वस्त्र समझते थे और उनकी अंतिम इच्छा यही थी इसी लिबास में लपेट कर उनको कब्र में उतारा जाए यदि किसी की पहले रिवायत आ चुकी है ना साद का महल बनाया था तो उसके बनने से किसी के दिल में कोई विचार भी हो और प्रश्न उठता हो तो यही उसका उत्तर है कि उन्होंने अंत में एकांतवास धारण कर लिया और फिर जिस चीज़ को पसंद किया वो बदर की जंग में पहना हुआ वस्त्र था और उससे पहले भी उनको एकांतवास की अवस्था थी वही उनकी आजजी और सादगी का प्रमाण है हजरत साद वर्णन करते हैं कि जब मैं गजवा बदर में शामिल हुआ तो उस वक़्त मेरी केवल एक पुत्री थी और अन्य रवायात से मालूम होता है कि हजतुलविदा के अवसर पर भी आपकी एक ही पुत्री थी फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इतना फ़जल किया कि मेरी औलाद बहुत ज़्यादा हो गई हज़रत साहब ने विभिन्न वक्तों में नौ शादियाँ की और उनसे अल्लाह ताला ने आपको चौंतीस बच्चों से नवाज़ा जिनमें 17 सत्रह लड़के और सत्रह लड़कियाँ थीं ये अब हज़रत सा वकास का वर्णन अब ख़त्म हुआ भविष्य में इन दूसरे साहबा का वर्णन शुरू होगा आज मैं नमाज के बाद कुछ जनाजा ग़ायब भी पढ़ाऊँगा पहला जो जनाजा है वो मुकर्रम सफदर अली गुजर साहब का है जो मेहमान नवाजी के विभाग में मस्जिद फ़ज़ल में सेवा के तौर पर ख़िदमत अंजाम दे रहे थे 25 जुलाई को हार्ट अटैक होने के कारण उनका देहांत हुआ कुछ दिन पहले अस्पताल में दाखिल रहे उन्नासी वर्ष उनकी आयु थी इन्ना ला वना खुदा के फजल से मूसी थे तीस साल तक मेहमान नवाजी यूके में बतौर वॉल्टियर सेवा की उन्होंने और आखिरी दम तक हज़रत मसीह सलाम के मेहमानों कारकुनान और जमात के लोगों की भी बेमिसाल ख़िदमत और मेहमान नवाजी की तोफ़ी पाते रहे इसके अतिरिक्त मरहूम ने एक लंबा समय अलफ़ज़ल इंटरनेशनल और अखबार अहमदिया की पैकिंग व पोस्टिंग में भी सेवा की बड़ा लंबा अरसा उनका असाइलम केस लटका रहा और जब एक लंबा अरसा के बाद असाइलम केस पास हुआ और उनकी फैमिली के यूके के आने के समान हुए तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया करते थे और कभी शिकवा नहीं किया इतना लंबा समय उनको अकेला रहना पड़ा मरहूम खिलाफत के फिदाई थे और हमेशा इसी दर पर फिदा रहे बल्कि ऐसे फिदाई थे कि मैं कहूँगा कि ऐसे थे जिनकी उदाहरण है दूसरों के लिए अहबाब जमात और अपने रहमी रिश्तेदारों से प्रेम और सम्मान का संबंध भी रखते थे इंतहाई दुआ गो नमाज के पाबंद खिदमत करने वाले सर्वप्रिय और बहुत विनम्र स्वभाव के मालिक थे पंजाबी के शायर भी थे और अपनी सुंदर आवाज़ की वजह से अहबाब जमात में प्रिय थे मरहूम को जलसा सलाना पर परवाम में नज़म पढ़ने की वजह से बहुत पसंद किया जाता था मरहूम का संबंध लाहौर के प्रसिद्ध जमात हांडो गजर से था मरहूम ने अपने पीछे अहलिया के अतिरिक्त चार बेटे और दो बेटियां यादगार छोड़ी हैं मुकर्रम मताउल मुजीब राशिद साहब लिखते हैं कि सफदर अली साहब बहुत सादा मिजाज थे मुखलिस और बेलोस खिदमत के सिलसिला करने वाले अनथक् में सिलसिला थे कहते हैं कि उनकी तीन गैर मामूली विशेषताएँ हैं जिन्होंने मेरे दिल में उनकी उनकी मोहब्बत बढ़ाई पहली ये कि अल्लाह का शुक्र बहुत था उनमें बावजूद सीमित वसायल के बाद बात पर अल्लाह ताला की हमदोशर किया करते थे दूसरे खलीफा वक्त और ख़िलाफत से मोहब्बत दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी कहते हैं कभी मुझे नहीं याद के छोटी सी मुलाकात भी हुई हो और उसमें ख़िलाफ़त से मोहब्बत का संबंध का इजहार ना किया हो उन्होंने तीसरी ये कि ख़दमत दीन जो है वो दिली मोहब्बत के साथ करते थे और उसको सौभाग्य समझते थे इनकी बेटी तहसन साहिबा लिखती हैं कि ज़िंदगी के, के प्रति एक लम्हे में उन्होंने दूसरों को सुख दिया उनके किसी जानने वाले को या मस्जिद में किसी को भी परेशानी होती तो वो घर में हम सबको उसका नाम बताकर दुआ के लिए कहते थे प्रत्येक अवस्था में अल्लाह का शुक्र करते थे दूसरों से नेकी करके उसका शुक्रिया अदा करते थे आपने मुझे नेकी का अवसर दिया फिर कहती हैं वो कहते थे कि तुम दोनों बहनें मुझे इसलिए बड़ी प्यारी हो कि नबी अक्रम अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो पुत्रियों को सम्मान देगा उसको जन्नत में मेरा साथ मिलेगा उन्होंने हमें कहती हैं कि बहुत मोहब्बत के साथ इज़्ज़त और एहतराम भी बहुत दिया दूसरी बेटी रज़िया साहिबा कहती हैं कि हमेशा हमारे पिता ख़िलाफ़त की आज्ञाकारिता और प्रेम की तलकीन करते थे और स्वयं भी खिलाफत से प्रेम का बहुत बड़ा उदाहरण थे कहती हैं कि जो भी उनके अफसोस के लिए आता वो यही कहता कि हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन वो सबसे ही प्यार करते थे हमें लगता था कि वो मस्जिद में करीब करीब के लोगों से ही संबंध निभाते हैं लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि वो हमारे ख़ानदान का हिस्सा थे और दूर दूर से लोगों के काम करते थे और उनसे संबंध निभाने वाले थे ये उनकी बेलोस मोहब्बत और खिदमत की वजह से ही जो लोगों ने उनके साथ इस तरह इजहार किया है मुझे भी बहुत से पत्र उनके बारे में लोगों ने लिखे हैं और प्रत्येक पत्र में यही लगता है कि उनका हर एक से ज़ाती व्यक्तिगत संबंध था और प्यार अखलास का संबंध था ही लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह सर्व सर्वप्रिय हों हर तबके में और इसी तरह उनकी हर मजलिस में हर लिखने वाले ने यही लिखा है कि उनकी बातों का केंद्र खिलाफत और इससे संबंध होता था अल्लाह ताला उनको अपने प्यारों के कदमों में जगह दे उनके बच्चों को भी उनकी नीकियों और दुआओं का वारिस बनाए और उनकी पत्नी साहबा को सेहत दे सबर और सुकून प्रदान फरमाए उनकी पत्नी भी लंबे समय से बीमार हैं उनको भी उन्होंने बहुत बड़े अखलास प्यार और मोहब्बत से ख़िदमत की है और अपने तमाम कार्यों और कर्तव्यों के साथ ख़िदमत की है खदमत तो लंगर खाने में भी करते थे दारुलियात में और उन्होंने एक वक्फ़ी ज़िंदगी से भी बढ़ कर ख़िदत का जज्बा था उनमें और साथ साथ अपने घरेलू फ़रज़ भी निभाए और इसी तरह जबान ना आने के बावजूद अंग्रेज़ी पड़ोसियों की भी खिदमत किया करते थे उनसे भी संबंध रखा और उन्होंने भी उनकी बहुत प्रशंसा की है अल्लाह ताली उनके दर्जा बुलंद फरमाए अगला जनाजा है मुकरमाफ़त नसीरा साहबा का जो मुकर्रम प्रोफ़ेसर नसीर अहमद ख़ान साहब की पत्नी थी तीन मई को नबे वर्ष की आयु में दिल की धड़कन बंद होने की वजह से मृत्यु हो गई इन्ना व अनना राज इनकी शादी उन्नीस सौ इक्यावन ईस्वी को मरहूम प्रोफ़ेसर डॉक्टर नसीर अहमद ख़ान साहब से हुई थी बच्चों में पीछे उनकी बेटी हैं जो आयशा नसीर साहिबा डॉक्टर इनायतुल्ला मंगला साहेब अमरीका की पत्नी हैं बेटों में जहीर अहमद ख़ान हैं और मुनीर अहमद डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान हैं और ये दोनों बेटे उनके ख़ानदान हज़रत मसीह मऊद में ब्याहे गए हैं उनको एक पोते नसीर अहमद ख़ान वाक़ ज़िंदगी हैं उनके एक पोते नसीर अहमद ख़ान वाक़ ज़िंदगी हैं और इस वक्त बड़े आसन रंग में एम टी ए ट्रांसमिशन में ख़मत सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ पढ़ाई के अला शिक्षा हासिल करने के बाद अपने आप को वक्त के लिए पेश किया अल्लाह तक को भी इन दुआओं का वारिस बनाए उनके बेटे लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो माता के साथ ही सोते थे और हमारी अधिकतर रात को आँख खुलती थी तो तहजद की नमाज़ में रो रो कर दुआ कर रही होती थी ये बात उनकी बेटी ने भी लिखी है कुरने करीम की निरंतर तिलावत करती थी और हम पर बच्चों पर भी लाजमी था कि सुबह तिलावत करके स्कूल जाएं इसके बगैर आग् नहीं ये लाहौर में भी रही हैं शुरू में साठ की दिहाई में वहाँ जनरल सेकटरी लजना के तौर पर मॉडल टाउन में खिदमत सर अनजाम देती रहीं अट्ठाईस वर्ष तक सदर लजना दारुलसर गर्बी की खिदमत सर अनजाम दी इस वक्त वसाइल भी थोड़े होते थे और फैले हुए महल मोहल्ले थे सवारियाँ नहीं थीं पैदल ही दूर दूर के इलाकों में जो नसर का मोहल्ला था दरिया तक फैला हुआ था वहाँ तक जाया करती थीं स्वयं फिर जब हज़रत खलीफुलमसी राबे ने जमात के लोगों को ये तहरीक फरमाई कि अपने समस्त गैर अहमदी रिश्तेदारों और कमज़ोर अहमदियों को पत्र लिखे जाएँ तो इसमें उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को बेशुमार पत्र लिखे किसी ना किसी बहाने गरीब अजीज़ों और मोहल्लादारों की सहायता करती रहती थी करती रहती थी और ख़ास तौर तो पर रमज़ान के दिनों में अवश्य उन्हें कुछ ना कुछ पका कर भेजा करती हमेशा ये कोशिश होती थी कि लोगों को आपस में जोड़ें और फटने से बचाएं उनकी बेटी आयशा साहिबा लिखती हैं कि एक वाकफ़ी ज़िंदगी के साथ बहुत ही गंदा पेशानी के साथ ज़िंदगी गुजारी और हमारी तालीम और तरबियत को अपना वलिन फ़र्ज़ समझती थी और इसके साथ दुआएँ भी बहुत करती थी अल्लाह ताला उनसे रहम और मफफ़रत का सलूक फ़रमाए और उनकी औलाद और नस्लों को भी उनकी नए ख़्वाहिशात को पूरा करने वाला और दुआओं का वारिस बनाए अगला जनाजा है मक्रम अब्दुलरीम साकी साहब का जो कारकुन थे जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूके के इकतीस मार्च को वफ़ात पा गए थे ना ला व ना जन अल्लाह के फजल से मूसी थे इकतीस दिसंबर उन्नीस सौ चौंतीस को मोज़ारायपुर रियासत नाभा हिंदुस्तान में पैदा हुए थे उनके पिता का नाम रहमत अली था उनके ख़ानदान में अहमदियत उनके पिता मरहूम ताया जान वासा वो सहाबी थे हजरत मसीम के चौधरी करीम बख्शाब नंबरदार उनके ज़रिए से आई थी अब्दुलरीम साकी साहब मरहूम के पिता की खालाजाद और तायाजाद बहन रहीम बीबी साहिबा साहबिया पत्नी मौलवी कुदरतुल्ला साहब सनोरी रिश्ता में आपकी फूपी भी लगती थी साकी साहब मरहूम को उन्नीस से लेकर उन्नीस तक दस वर्ष बतौर सेक्ट्री माल और कायद मजलिस खुदाम अहमदिया तख़्त हज़ारा ख़िमत की तोफ़ी मिली पार्टीशन के बाद ये तख़्त हज़ारा आकर आबाद हो गए थे इसके बाद उन्नीस सौ अट्ठासठ में जमात अहमदिया तख़्त हज़ारा के अमीर निर्धारित किए गए थे और जुलाई उन्नीस सौ चौहत्तर तक बतौर अमीर जमात खिदमत बजा लाने की तोफ़ी मिली तेरह जुलई उन्नीस सौ चौहत्तर को तख्त हज़ारा के गैर अहमदी शरपसन टोले ने इर्द गिर्द के इलाके में ऐसे गुंडे और अहमदीत के दुश्मनों के बहुत बड़े हथियारों के जत्थे को जमा करके अहमदियों के विरुद्ध फसाद बरपा करने का सिलसिला शुरू कर दिया मस्जिद के एक हिस्सा को आग लगा कर उस पर कब्ज़ा कर लिया मेहमान खाने को पूर्ण तौर पर जला दिया साकी साहब की किरियाना की दुकान थी उसको भी लूट कर आग लगा दी इसी तरह आपकी एक दूसरे कपड़े की दुकान थी उस पर भी कब्ज़ा कर लिया घरों को नज़र आतिश कर दिया जला दिया और ये भी अंदर ही थे धुएं की वजह से बेहोश हो गए बेहोशी की हालत में दुश्मनों को उठा के मस्जिद में ले गए बेहोशी की हालत में दुश्मन उनको उठा के मस्जिद में ले गए और लाउड स्पीकर से ऐलान कर दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तोबा कर ली है ताकि दूसरे अहमदी भी पीछे हो जाएं जमात से बहरहाल जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि बर्छियों और नेजों के नरगे में बैठे हैं और उसका बड़ा उनके जहन पर प्रभाव हुआ फिर ये वहाँ से उनके बच्चों ने वहाँ इसी वजह से लाहौर उनके किसी अजीज़ के पास भिजवा दिया वहाँ उनका इलाज हुआ और ये वहाँ रहे फिर लाहौर में ही एक जमात में जहाँ सेटल हुए थे दोबारा आबाद हुए थे उन्होंने कारोबार शुरू किया और अपने प्रियो के साथ जुड़ा मकान मकान के एक हिस्से में नमाज़ सेंटर बनाया जमात, बाजमात नमाज़ों के साथ की तरफ तवज्जो दिलाई लोगों को सैकड़ों बच्चों को और लोगों को कुरान पढ़ाया फिर नवंबर 2000 में ये हिजरत करके लंदन आ गए यहाँ इसके बाद 2020 तक नेशनल जर्नल सेक्रट्री ऑफ यूके में सेवा के तौर पर काम करते रहे और वाकफ ज़िंदगी से बढ़कर समय के पाबंद थे पहले दफ्तर पहुँचते थे ताकि किसी को इंतज़ार ना करना पड़े बल्कि कई बार दफ्तर आने से पहले यदि कभी नाश्ता में देर हो गई तो नाश्ता किए बग़ैर आ जाया करते थे और फिर उनकी ख़ूबी ये भी थी कि बच्चों ने उनके लिखा है कि रोज़ाना तीन सिपारे तिलावत किया करते थे कुरान करीम के खिलाफत के साथ बड़ी आस्था और प्रेम रखते थे बच्चों और बड़ों को सदैव खिलाफत के साथ व रहने और ख़लीफ वक्त का अदब और कामिल वफ़ा के साथ इतात करने की तरफ बड़े दर्द के साथ नसीहत किया करते थे वाक़ी और ख़ास तौर पर मुरबीन का दिली एहतराम और उनके साथ मोहब्बत करने वाले वजूद थे तकरीबन साठ वर्ष से अधिक अरसा सेवा के तौर पर खदमत दीनिया बजा लाने की उनको तोफ़ी मिली उनके बेटे खालिद महमूद साहब कोली रोड्स के सदर जमात भी हैं और मरहूम ने पीछे पत्नी के अतिरिक्त दो बेटे पांच बेटियां यादगार छोड़ी हैं अल्लाह तला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए उनकी औलाद को उनकी नस्ल को भी उनकी नेक ख्वाहिशात का पूरा करने वाला बनाए अगला जनाजा है जो पढ़ाऊँगा वो सईद अहमद सैगल साहब का है ये हमारे पी एस दफ्तर में रज़ाकार थे शोभा डिस्पैच में उनकी बारह अप्रैल को वफात हुई है नबे साल की आयु थी दो बेटे दो बेटियाँ छोड़ी हैं उनका बचपन का ध्यान में गुजरा आरंभिक शिक्षा भी वहीं हासिल की लंबा समय यहाँ प्राइवेट सेक्टर की दफ्तर में डिस्पैच सेक्शन में बतौर रजाकार खिदमत की तौफीक पाई बड़े पढ़े लिखे इल्म दोस्त शख्स थे दुनियावी इल्म के साथ साथ कुरान करीम और जमाती विषयों का भी ख़ूब ज्ञान रखते थे नमाज़ों के पाबंद खिलाफत के शौदाई बहुत विनीत और शराफत का एक आदर्श थे अपने हलका में सर्वप्रिय थे मैंने देखा है जब भी मिले इंतहाई आजी और बड़ा दर्द होता था उनको उनकी औलाद भी इसी तरह संबंध रखने वाली जमात से असलम खालिद साहब लिखते हैं कि आप ख़ास मिजाज रखते थे अक्सर दोपहर के खाने पर विभिन्न विषयों पर गुफ्तु करते थे और ख़ास तौर पर ईसाईयत और यहूदियत पर गहरा ज्ञान था हमारे दफ्तर के कारकुन बशीर साहब लिखते हैं कि आखिरी आयु में उनकी कोशिश रही कि जमाती खिदमत करें एक दफ़ा बताया कि मस्जिद कोई काम की घर से आ रहे थे कि चक्कर आ गया और नीचे गिर गए और चोट भी लगी लेकिन इसके अतिरिक्त काफ़ी दूर से पैदल आना पड़ता था दफ्तर ज़रूर आते थे ताकि ख़िदमत का कोई अफसर हाथ से ना जाए अपना बड़ा मकान बेच कर मस्जिद के करीब फ्लैट ले लिया था ताकि आने जाने में आसानी रहे अल्लाह तला मरहूम से मकबरत और रहम का सलूक फरमाए और उनकी औलाद के हक़ में भी उनकी दुआएं स्वीकार फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तैनु व ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر